चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की टीम पहुंची जींद। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर बावा ने यूनिवर्सिटी की इस साल की 45 करोड़ की स्कॉलरशिप की लॉन्चिंग जींद में की। उन्होंने बताया कि 31 मई तक विद्यार्थी स्कॉलरशिप परीक्षा अपने घर बैठे अपनी पसंद के दिन और पसंद के समय दे सकेंगे। उनकी यूनिवर्सिटी 90% या इससे ज़्यादा अंक स्कॉलरशिप परीक्षा में हासिल करने वाले बच्चों को पूरी डिग्री तक 100% फीस फ्री करेगी। 40% अंक हासिल करने वालों को 10% स्कॉलरशिप मिलेगी। ऐसा करने वाली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी देश की एकमात्र यूनिवर्सिटी है। फौजियों, स्कूल अध्यापकों और मीडिया कर्मियों के बच्चों को भी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देगी। तरीका बड़ा सिंपल है, ये स्कॉलरशिप है सीयू सेट के जरिए। सीयू सेट इज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट शुरू होगा, ऑलरेडी शुरू है और ये मई तक चलेगा। अब देखिए कितनी लंबी खिड़की दे रहे हैं हम। दिस विंडो विल बी ओपन टिल 31 मई। 31 मई तक जब भी वो बच्चा पेपर देना चाहे दे ले, ये हाईएस्ट स्कॉलरशिप मिलेंगे। कितने में अभी बता रहा हूँ आपको। तो बच्चे ने करना क्या है, वो हमारी वेबसाइट पर जाएगा cuchd.in, उसके बाद सी यू सेट पर क्लिक करेगा और रजिस्टर करेगा अपने आप को। उसकी एक हमने नॉमिनल फीस रखी है 1000 रुपया, लेकिन वो 1000 रुपया फीस के बदले में हम उसको प्रॉस्पेक्टस फ्री देंगे। सो कोई कॉस्ट नहीं है, बच्चे को कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी इस टेस्ट की। अब इसका लाभ क्या है कि बच्चे को ये सुविधा दी गई है कि बच्चा अपनी मर्जी का विषय चुने, जिसका अर्थ है कि अगर उसने प्लस टू मेडिकल में की है तो वो मेडिकल का पेपर देगा, नॉन मेडिकल में किया तो नॉन मेडिकल का, आर्ट्स का किया तो आर्ट्स और कॉमर्स का किया तो कॉमर्स। ऐसी सुविधा बहुत कम विश्वविद्यालय देते हैं। अब इसके बाद वो अपनी मर्जी का दिन चुनेगा, अब से लेके मई तक, 31 मई तक जिस दिन मर्जी वो पेपर दे सकता है, उसकी चॉइस है। इसके अलावा आप ये भी मानेंगे, हमारे खुद के बच्चे हैं, कोई बच्चा सुबह ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है, कोई आफ्टरनून में ज़्यादा कर सकता है, तो उसकी मर्जी का समय भी रहेगा। यूनिवर्सिटी उसका समय नहीं चूज करेगी, उसका समय भी जो होगा वो बच्चा खुद चुनेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात कि बच्चा ये टेस्ट अपने घर में बैठ के देगा। हम उसको कहीं नहीं जाने के लिए कह रहे हैं। आपको शायद मालूम होगा कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों ने केंद्र बनाए होते हैं कि आप यहाँ से 500 मील दूर जाओ, यूनिवर्सिटी में आओ जो यहाँ से 200 किलोमीटर है। ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा अपने घर में बैठ के ये पेपर देगा, लेकिन हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, वो इंस्ट्रक्शन उसको फॉलो करनी होगी ताकि वो अनफेयर मीन्स का केस ना बने। अब स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा, जो भी विद्यार्थी हमारे टेस्ट में 90% या उससे ऊपर अंक लेगा उसको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा, 100% स्कॉलरशिप। जैसे जैसे उसके अंक कम होते जाएंगे उसका स्कॉलरशिप कम होता जाएगा, लेकिन 40% वाले को भी हम 10% छात्रवृत्ति देंगे। अब इसके अलावा हम एक और बात कहें, हम प्लस टू के अंक काउंट नहीं करेंगे। तो बच्चे जिनके प्लस टू में अंक ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं वो भी ये टेस्ट दे सकते हैं, उनके लिए ये सेकेंड चांस है, गोल्डन चांस है। अब मैं इस स्कॉलरशिप की 2-3 विशेषताएँ बताने वाला हूँ आपको। सबसे पहली बात, आप लोगों के जरिए सभी विज्ञापन छपते हैं, बहुत सारे विश्वविद्यालयों के विज्ञापन अभी आ रहे हैं। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ आप मेरे साथ सहमत होंगे, जितने भी विज्ञापन आते हैं उसमें लिखा होता है स्कॉलरशिप अप टू 100%। कोई नहीं कहता कि 100% देंगे, अप टू 100%। दूसरा लिखा होता है कि ऑन ट्यूशन फी। मैं सही हूँ ना? अब हरियाणा के बच्चों की बात करूँ तो इस 7500 में से 1152 जो नौकरियाँ हैं वो हरियाणा के बच्चों ने लिए, जबकि उनकी जो पॉपुलेशन है, संख्या है, वो 10% है यूनिवर्सिटी का टोटल, लेकिन जो नौकरियां प्राप्त की है वो 15% की है। तो उनकी कारगुजारी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग जॉब्स, क्योंकि अल्टीमेटली आप मानेंगे कि बच्चे नौकरी के लिए आते हैं, पढ़ाई की नौकरी ली तो नौकरियां अच्छी ले। 99 जिनको मल्टीपल नौकरियां मिली, एक से ज़्यादा कंपनियों में नौकरी मिली है, और इस हिसाब से भी हरियाणा बाकी स्टेट से काफ़ी आगे है। अब मैं बात करूंगा विशेष, जिसके बारे में हम बहुत एफर्ट करते हैं, हम बेटियों को कोशिश करते हैं कि बेटों के बराबर नहीं, उनसे आगे लेके जाया जाए, उनको ज़्यादा अच्छे से केयर की जाए। और हमें खुशी है कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी में जो नौकरियां मिली हैं 38% लड़कियों को मिली, 38%, लेकिन हरियाणा की बच्चियों को 48% मिली।
तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए हरियाणा भी गर्व कर सकता है, आप सभी गर्व कर सकते हैं कि यहाँ की बच्चियाँ 48% बच्चियाँ जो हैं उनको नौकरी मिली है, 52% लड़कों को मिली है, जबकि ओवरऑल यूनिवर्सिटी में 62% लड़के और 38% लड़कियाँ। यही नहीं, मेरे पास दो बेटियाँ ऐसी हैं दिव्यांशी जो कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट, उसको 5 ऑफर्स मिली हैं, और इशिका और दीक्षा वो दोनों यहाँ की बेटियाँ हैं, वो अनफॉर्चुनेटली उनके पारिवारिक कुछ प्रॉब्लम की वजह से आ नहीं पाई, उनको आना था यहाँ, उनको दोनों को नौकरियाँ मिली हैं 8 लाख का पैकेज और 7 लाख का पैकेज, और चार चार कंपनियों में इनको नौकरी भी मिली है, 8 लाख का पैकेज और 7 लाख का पैकेज। जैसे मैंने कहा हमारा 52 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, लेकिन हमारी एवरेज जो है दैट्स अराउंड 5.5 लैक्स जितने एवरेज है। अब मैं खेलों की बात करूँ तो पहले मैं आज सभी आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ, हरियाणा हमेशा खेलों में आगे रहा है, अब वो पढ़ाई में भी हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन खेलों में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने 133 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें से 9 इंटरनेशनल मेडल्स हैं, 31 नेशनल और 93 इंटर यूनिवर्सिटी मेडल्स हैं। इसमें हरियाणा का योगदान ये है कि 133 में से 72 मेडल जो हैं वो हरियाणा के बच्चों ने जीते हैं। सो हमारा जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो हरियाणा के बच्चों का है, जबकि मैंने कहा कि उनकी संख्या 10% है, और इसमें भी चार लिए भी हरियाणा को और इनके बच्चों को माता पिता को बधाई देनी चाहता हूँ। विशेष तौर पे वर्णन करना चाहूँगा शशि चोपड़ा का, ये रोहतक से है और इसने बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कजाकिस्तान और बुल्गारिया में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। सोनिया है हिसार से, इसने 3 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल जीते, अभी आपके सामने बैठा है। इसके सारे के सारे पेटेंट का जो खर्चा है वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने दिया है, हम बच्चे का कोई खर्चा नहीं कराते, पहली बात। दूसरी बात, विश्व की कोई यूनिवर्सिटी आप ले लीजिए, हार्वर्ड को भी ले लीजिए, वो जब पेटेंट हो जाता है तो ये पेटेंट से मान लीजिए 1 लाख रुपया कमाएगा, तो उसमें से 30% या 20% या 50% तक यूनिवर्सिटी का होता है, लेकिन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय का ये है कि जो इससे कमर्शियल होंगे अगर कमाई होगी तो वो बच्चे की होगी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं चाहिए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को सिर्फ ये चाहिए कि ये बताए और ये लिखेगा इस पर कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए इन्हें पेटेंट फाइल किया, बाद में करेगा तो कोई इतराज़ नहीं। सो ऐसा कोई यूनिवर्सिटी करती नहीं, ये जो फाइल करने का खर्चा है ज़्यादा से ज़्यादा 50% देती हैं यूनिवर्सिटियाँ, लेकिन चंडीगढ़ विश्वविद्यालय जैसे मैंने कहा कि हम स्टूडेंट सेंट्रिक हैं और इसको जो सपोर्ट मिली है इन्होंने बताया है, हमें बहुत खुशी है, एक्चुअली हमें गर्व है ऐसे बच्चों पर, यही लोग हैं जो देश को बनाने वाले, यूनिवर्सिटी को भी बना रहे हैं जैसे मैंने पहले कहा था, और देश को भी बना रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने काफ़ी मदद की है मेरी, मेरी इतने मतलब फैमिली बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो इसलिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी मैं उसी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अभी वो आने वाली है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, तो उसमें गोल्ड के लिए कोशिश करेंगे। थैंक यू। और सी बताया क्या क्या मिल रही है आपको, हॉस्टल फ्री है? हाँ जी, हॉस्टल फ्री है, मेरी डाइट अच्छी चल रही है, तो मैं फीस आपकी पूरी और फीस 100% स्कॉलरशिप है मेरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से, और थैंक यू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। CUCHB.IN बड़ा बड़ा लिखा है CUCHB, और ये CUCHB में जाके रजिस्टर कर सकते हैं बच्चे, और उसको उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में साउथ अफ्रीका में गोल्ड मेडल जीता है, और नेशनल में तो बहुत सारे मेडल जीते हैं, ये सब देखिए ये सब मेडल हैं जो जीते हैं। चलिए पहले आप बताइए बेटा जी। नमस्कार आप सब, कैथल से हूँ सर, मुंदड़ी कैथल के पास एक मुंदड़ी गाँव है, वहाँ से रहने वाला हूँ मैं, अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से मैं MBA कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर ही है मेरा, BBA भी मैंने यहीं से अपनी समाप्त की है पूर्ण रूप से। तो सर अभी टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ती जा रही है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मेरा डिपार्टमेंट जो मेरी प्लस टू थी सर वो मैंने कॉमर्स से की थी, कॉमर्स में मेरी रुचि थी बट टेक्नोलॉजी में मेरे को बहुत ज़्यादा रुचि है, बिना किसी स्पेसिफिक डिग्री के मैंने रोबोटिक्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में काफ़ी सारी इनोवेशंस की है, 20 से ज़्यादा मैंने पेटेंट यहाँ पे अप्लाई भी किए, और खुशी होती है बताते हुए कि सर मेरे को पहली ग्रांट भी मिली है मेरे पेटेंट की, 3 साल बाद मुझे पेटेंट की ग्रांट मिली है। पेटेंट क्या है, किस तरीके की टेक्नोलॉजी में मैंने काम किया है, क्या क्या मैं मशीन बनाता हूँ, तो सर ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया है पहला मेरा रक्षक। अभी आपको पता है कि इंडिया में महिलाओं को लेकर के हमें लेकर के सेफ्टी इशू कितना रहता है, कहीं पे भी आप भी जाते हैं, हमारी जो सिस्टर्स हैं बेटियाँ उनको प्रॉब्लम है, तो ये डिवाइस है, इसका नाम है रक्षक, ये आपकी रक्षा करता है, चाहे आप कहीं पर भी जा रहे हो, कोई भी अगर आपको तंग कर रहा है तो आपको उनको टच करना, ये 400 किलोवाट का झटका देता है सर, 400 किलोवाट जान नहीं लेगा क्योंकि इतने इम्पेयरिंग कम रहती है,
और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से भी सम्मानित हुआ है ये। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ सर, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। 3 बार मैंने इंडिया रिकॉर्ड बनाया, करमवीर चक्र से सम्मानित भी हुआ हूँ मैं रिसेंटली आप सभी के आशीर्वाद से। और एक ये डिवाइस मैंने भी बनाया क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूँ कि 2 मिनट के लिए अगर हम आँख बंद करके चलने की कोशिश करें तो सर हम नहीं चल पाएंगे, खौफनाक सोच ही बड़ा ये महंगा पड़ता है ना। तो सर जो नेत्रहीन लोग हैं और साथ में बहरे हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनको एक तरीके से उनकी ये आँख है, ये डिवाइस क्या करता है आपको अपनी पॉकेट पे उनकी या बेल्ट के बकल पे या रिस्ट वॉच पे घड़ी की जगह लगाना है, अगर वो कहीं पे भी सड़क पे चलते हैं तो हादसा हो जाता है। तो इसका डिवाइस का नाम है नेत्रा, ये उनकी आँख बनता है, उनको बताता है कि सामने किसी तरीके का जानवर आ रहे हैं, कोई व्हीकल आ रहा है, दवार आ रही है, जिससे उनको एक्सीडेंट नहीं होता और वो बहुत ही सेफली से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, अच्छे तरीके से बड़े बड़े एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। और काफ़ी आसान रहता है मेरे ख्याल से अगर हम सर चीज़ें देख पाते हैं तो, एक अगर हम आँखों से विजुअली इंपेयर्ड है तो। और ये जो पेटेंट है, ये इसका पेटेंट है सर, अभी हम इंडिया में रहें, किसी भी देश की दुनिया में रहें, हमारे घर में रसोई चूल्हा सबके घर में चलता है। अब सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है, गैस सिलेंडर फट जाता है, बच्चे गैस ऑन करके छोड़ देते हैं, हम भी गैस ऑन करके भूल जाते हैं कई बार, या फिर चूहे पाइप काट देते हैं रात को। तो इसमें क्या करेगा, ये दुनिया का सबसे पहला ऐसा चूल्हा है जो अपने आप ही अगर गैस लीक हो जाती है तो आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, चाहे आप कैलिफोर्निया गए हो, चाहे आप मलेशिया गए हो, किसी भी दुनिया किसी भी कोने से इंटरनेट से कनेक्ट रहता है। बायोमेट्रिक आजकल हमारे सबके स्मार्टफोन में अंगूठा लगा है, अंगूठे से फ़ोन खुलते हैं, तो बच्चे गैस घुमा देते हैं सर, है ना। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के क्या किया कि आप अंगूठा लगेगा उसके ऊपर तो आपकी गैस चालू होगी, अदरवाइज गैस नहीं चालू होगी। इसके अलावा अगर चूहा पाइप काट देता है, आप सो रहे हैं, आप घर के बाहर हैं, तो आपका जो रेगुलेटर है मेन गैस है वो अपने आप बंद हो जाती है। तो इस तरीके की इन्वेंशन करता हूँ मैं, DDU यूनिवर्स नाम से स्टार्टअप है मेरा, कंपनी मैंने स्टार्ट किया है, और मैं चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी मुझे ऐसे सपोर्ट करती रहे, आप सबका आशीर्वाद रहे, धन्यवाद सर।